जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां बिरजा, जय सियाराम। एति उपस्थिता समस्त भाई भावनी मन को मोरा नमस्कार। आज देश के लिए जीवन समर्पित करने वाले विजनरी नेता बीजू पटनायक जी की जन्म जयंती है। आज पूरा देश उन्हें आदर के साथ याद कर रहा है। ये संयोग है कि आज मुझे ओडिशा की धरती से ही उन्हें नमन करने का अवसर मिला है। मैं बीजू पटनायक जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, इतनी विकराल संख्या में जहां भी मेरी नजर जाती है, उत्साह और उमंग से भरे मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है, उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। 400 पार का संकल्प देश में एक मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार फिर एक बार बनाने के लिए है। 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। इसमें पूर्वी भारत की, ओडिशा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जरा एसपीजी के लोग, ये दो बच्चे कुछ चित्र लेकर के आए हैं, अगर उनको इतराज न हो देना चाहते हैं तो एसपीजी के लोग जरा कलेक्ट कर ले, वरना ये ऐसे ही हाथ, उनके हाथ को दर्द होता रहेगा। आपके प्यार के लिए, आपके शुभकामनाओं के लिए पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं चिट्ठी लिखूंगा। आप पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए, जरा एसपीजी के लोग कलेक्ट कर लीजिए, उनसे अपना आता पता लिख दीजिए। भैया लिख दिया है तो लिख दीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। अब हाथ नीचे करिए, हां दर्द हो जाएगा। उड़ीसा की धरती में तो रग रग में कला भरी पड़ी है जी,
साथियों, बीते 10 वर्षों से भाजपा सरकार यहां उड़ीसा में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि उड़ीसा विकसित भारत का भी गेटवे बने। एक प्रकार से उड़ीसा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा दे रहा है। पाइप से घरों में सस्ती गैस देना हो, सीएनजी आधारित यातायात हो, गैस आधारित इंडस्ट्री हो, इसके बड़े उद्योग उड़ीसा में लग रहे हैं। यहां से गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंच रही है। उड़ीसा पॉलिएस्टर का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। टेक्सटाइल पार्क के लिए रॉ मटेरियल भी यहीं बन रहा है। 10 वर्षों में सिर्फ पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ही उड़ीसा में 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। ज्यादा निवेश मतलब नौकरी के ज्यादा मौके, नौकरी के ज्यादा अवसर, यानी ये विकास कार्य उड़ीसा के नौजवानों का भाग्य बदलने वाला है। साथियों, आज जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये पहले भी हो सकते थे, लेकिन 2014 से पहले के वर्षों में कांग्रेस और उसके साथियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी में नोट भरने में लगा रहा। जो कांग्रेस सरकार कोयले को लूट कर खा जाए, वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के बारे में कैसे सोच सकती है। जो कांग्रेस सरकार यूरिया में घोटाला कर दे, वो किसानों को सस्ती दर पर यूरिया कैसे उपलब्ध कराती। ये कांग्रेस सरकार भर्तियों में भी घोटाला कर दे, वो देश के नौजवानों को कैसे नौकरी देती। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश में ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जिसमें गरीब पर, नौजवान पर, आदिवासियों पर अविश्वास पैदा हो। गरीब कांग्रेस सरकार से कुछ भी मदद मांगने जाता था तो कांग्रेस सरकार कहती थी कुछ गारंटी लेकर आओ। उस सर पर रिवाज था, हर किसी से गारंटी मांगी जाती थी। बैंक में खाता खोलना है, कांग्रेस कहती थी गारंटी लाओ। बैंक से रोजगार के लिए कर्ज चाहिए, कांग्रेस कहती थी गारंटी लाओ। नौकरी के लिए अप्लाई करना हो,
कांग्रेस कहती थी किसी अफसर की गारंटी लाओ। अब संयोग देखिए कि 2014 के बाद एक गरीब का बेटा केंद्र सरकार में आ गया। और जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा गरीब की सबसे बड़ी गारंटी मोदी बनेगा। जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था उसकी गारंटी मोदी ने ले ली। हमने जनधन खाते खोले, मोदी सबकी गारंटी बना। पहलों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी के पास बैंक को देने के लिए क्या था? हमने बिना गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। पहले हमारे विश्वकर्मा साथियों की गारंटी लेने वाला भी कोई नहीं था। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनकी गारंटी ली, उन्हें बैंक से मदद दिलाई। ऐसी योजनाओं की वजह से ही आज गरीब का आत्मविश्वास बढ़ा है, उसे एहसास हुआ है कि सरकार उसके साथ है, मोदी गरीब के साथ है। साथियों, जिन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा। ओडिशा में अनेक ऐसी जनजातियां हैं जो सबसे पिछड़ी हुई है। इन जनजातियों की सूद किसी ने नहीं ली। मोदी ने पहली बार इन आदिवासी बहन भाइयों के लिए भी 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की। रेहड़ी, फुटपाथ, ठेले, यहां पर जो लोग काम करते हैं, इन काम करने वालों की परेशान, उनके ऐसे हाल थे कोई उनको पूछने वाला नहीं था। आज उन्हें भी पीएम स्वनिधि योजना से बैंक से सीधा लाभ मिल रहा है। हमारे छोटे किसानों तक सरकारी योजना का लाभ पहले कभी पहुंचता ही नहीं था। आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्हें भी पैसा मिल रहा है। हमारे मछुआरे साथियों के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आता था। पहली बार उनके लिए अलग मंत्रालय, उनके लिए अलग बजट हमने बनाया। पहली बार उनके लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई। पक्का घर, घर पर नल से जल, गैस कनेक्शन, ये कभी गरीब के लिए तो सपना होता था, आज वो हकीकत बन रहा है।
जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं, जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे नौजवान साथियों, आपका ये उत्साह, आपका उमंग, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका ये प्यार कभी भूल नहीं सकता हूं। आपका ये जोश मुझे भी काम करने की प्रेरणा देता है। साथियों, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। बताऊं? याद रखोगे? ये आपके फायदे वाली है, फायदा उठाओगे? देखिए, उड़ीसा तो हमारा भगवान सूर्यदेव की भूमि है। सूर्यदेव की प्रेरणा से ही मोदी ने देश को एक और गारंटी दी है। सुनिए, ये आपके काम की बात लेके आया हूं और मोदी की गारंटी है मुफ्त बिजली देने की। जीरो बिल, और घर में मुफ्त आएगी लेकिन ज्यादा बिजली पैदा होने पर बेच करके कमाई भी होगी। भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना बनाई है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। हर परिवार अपनी जरूरत पूरी करके अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेगा। यही नहीं, हम किसानों को, अन्नदाता को भी ऊर्जा दाता बना रहे हैं। वे भी खेत की मेड़ पर या खाली जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। साथियों, मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहा है ताकि देश का हर परिवार, हर नौजवान का भविष्य समृद्ध हो। साथियों, आपका आपका जोश मुझे मंजूर है। अब आप इससे आगे तो आ नहीं सकते हो, आपका
इतना उत्साह है, इतना जोश है कि यहां छोड़ो दिल्ली में कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपके प्यार का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। मेरे पास आपके उत्साह के लिए धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं। साथियों, ये भगवान जगन्नाथ की कृपा के बिना इतना प्यार किसी इंसान को नहीं मिल सकता। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, हमने मुफ्त राशन वाली योजना, यहां जो मेरे गरीब परिवार के भाई बहन हैं, मोदी जो मुफ्त राशन भेजता है वो मिलता है ना? मुफ्त राशन मिलता है ना? समय पर मिलता है ना? अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना? गरीब का पेट भरता है कि नहीं भरता है? गरीब के घर का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है? और इसलिए मोदी को आशीर्वाद मिलता है, और इसलिए मोदी ने कहा है ये गरीब को राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। साथियों, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। हम गांव गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को मदद दे रहे हैं ताकि हमारी बहनें लखपति दीदी बने, लखपति दीदी। मैं देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। गांव गांव लखपति दीदी बनेगी। लेकिन साथियों, इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को ये पसंद नहीं आ रहा। इन लोगों के पास हमारे संकल्पों, हमारी सिद्धियां, हमारी नीति, हमारी निष्ठा के जवाब में कुछ नहीं है। इसलिए इंडी गठबंधन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। और कह रहे हैं इसलिए मोदी को हटाना है। इंडी गठबंधन के ये परिवारवादी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अगर ये वाकई विचारधारा की लड़ाई है तो इंडी गठबंधन वाले जरा कान खोल करके सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा, इंडी अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है। मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, और मोदी भारत के हर परिवार के लिए
खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे बेटियों, नाती पोतों, भाई भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है। लेकिन मोदी देश के 1 करोड़ बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है। इसलिए इंडी गठबंधन के परिवारवादी कहते हैं उनका लक्ष्य एक ही है, मोदी को हटाना है, जबकि मोदी का लक्ष्य है भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाए हैं, जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाए हैं। परिवारवादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ परिवारजनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार। और यही बात इन परिवारवादियों को खटक रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कल से ही देश का हर गरीब, हर किसान, हर बहन बेटी कह रही है मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं, आप मेरे साथ बोलिए, मुंह पर मोदी परिवार, मुन मोदी परिवार। मुझे विश्वास है कि भारत के हर परिवार को सशक्त करने के लिए आपका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा। ओडिशा में आप सभी ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाएं। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब अपना हमारे उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने मोबाइल फोन को निकालिए, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। यहां पर भी बैठे हुए लगे मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करें। ये रोशनी उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए है। ये चमकते तारे भारत का भाग्य बदलने के लिए है। ये हर नौजवान की ऊर्जा देश को नई ऊर्जा देने वाली है। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।